हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीज़ू। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, अब तो आपको प्रिपरेशन करनी है और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन आज की जो ये वीडियो है, जैसे कि मैंने आपको ग्रुप में भी इन्फॉर्म किया था कि आज हम आपके लिए मैराथन सेशन लाएंगे और उसमें हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इससे पहले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, इधर उधर से मैंने ढूंढ के ये लाए हैं आपके लिए ताकि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। देखें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फर्दर अपडेट्स के लिए, कट ऑफ के लिए, क्या कट ऑफ रहता है, क्या आपका एग्ज़ाम प्रोसेस है, कब आपको क्या करना है, सारी चीज़ों के लिए इसी चैनल पर आपको हर एक अपडेट मिल जाती है। लेकिन हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो हमारा एक्चुअल आज का मुद्दा है। आज हम बात करेंगे 100 एमसीक्यूज पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। आज हम पहले स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को, इस पे हमने 30 एमसीक्यूज लाए हैं पहले, ये हमारे पास पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट आपने कल देखा होगा बायोलॉजी का। फिर हम बात करेंगे आज ही इसी वीडियो में 30 एमसीक्यूज आपके केमिस्ट्री पे हैं और फिर लास्ट के 40 एमसीक्यूज आपके यहां पे बायोलॉजी पे हैं। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चंस की। चलिए हम बात करें, अगर हम तो सबसे पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगर हम तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक्चुअल में यहाँ पे इसका आंसर मार्क हुआ है, तो आपको वैसे अब एमसीक्यूज करने हैं ताकि आपको रेफरेंस मिल जाए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और फिर जो आप रिविजन कर रहे हो और उस टॉपिक को अच्छे से पढ़े। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ए रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द अर्थ, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देना था कि एक रेफरेंस फ्रेम जो अटैच होता है अर्थ के साथ वो क्या होता है, इज़ एन इनर्शियल फ्रेम होता है या फिर कैन नॉट बी एन इनर्शियल फ्रेम बिकॉज द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन होता है, या फिर मे बी नॉट इनर्शियल फ्रेम, या फिर नन ऑफ दी अबो। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ही ऑप्शन नंबर ए था, तो आप इस तरह के इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं टॉपिक को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इफ़ द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इन ए गिवन टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की चेंज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग से, तो इन ए गिवन टाइम के अंदर, तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन क्या होता है, मोशन, रेस्ट, ऑनली सर्कुलर मोशन या नन ऑफ दी अबो। तो आंसर आपके सामने ही है, इस क्वेश्चन का आंसर था मोशन। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड आपसे पूछा गया था इन ऑसिलेटरी मोशन, इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं मूव करते हैं अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, या पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, या फिर पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट ए पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर हम मोशन ऑफ ए स्लाइडिंग बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था रेक्टिलिनियर मोशन की। देखिए, मोशन से जो क्वेश्चन आए वो सारे मैंने यहाँ पे कवर किए, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट्स टू स्टे एट रेस्ट आर टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया, इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है मेजर ऑफ इनर्शिया के लिए है, तो हमें पता है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है मास। ठीक है, मास यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इनर्शिया, सबसे ज्यादा इनर्शिया किसका होता है, एटम का होता है, मॉलिक्यूल का होता है, ए वन रुपी कॉइन का होता है, या क्रिकेट बॉल का होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, तो एक क्रिकेट बॉल का हमारे पास ज्यादातर इनर्शिया होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया व्हेन ए रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर टेंड्स टू लर्न फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ, ये मोशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, क्योंकि हम अभी कंटिन्यू कल भी आपके लिए सेशन लाएंगे तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो व्हेन ए रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर, जो पैसेंजर होंगे टेंड्स टू लर्न फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्वेश्चन नंबर एट का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनमें से कौन सी एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर आपको देना था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पूछा गया व्हेन ए हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक डस्ट पार्टिकल्स आर क्लियर, एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर ही ऑप्शन नंबर ए है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोमेंटम इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था मास एंड वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए आपको न्यूमेरिकल जो होते हैं ना वो दो चार पूछे जाते हैं, आप उसके लिए परेशान नहीं होना, आपको सीधी सी बात है अच्छे से प्रिपरेशन जो आपने की हुई है 10+2 लेवल पे, अच्छे से जो आपने बेसिक्स अपने क्लियर किए हुए बेसिक क्वेश्चन होते हैं आप वहां पे आराम से कर लेंगे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, आप ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी स्टोर्ड एनर्जी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया। तो न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास जो होती है ये एक स्टोर्ड फॉर्म में नहीं होती, बाकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की या केमिकल एनर्जी की, ये स्टोर्ड फॉर्म में होती है। तो 11 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर था। ठीक है, फिर
फिर मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ, ये किसकी किसका सम होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का होता है, या केमिकल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होता है, या पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट एनर्जी का होता है, या फिर काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर था हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का हमारे पास एसआई यूनिट क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका जूल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मून ग्रेविटेशन के बारे में, करेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ही ऑप्शन नंबर ए था, मून ग्रेविटेशन इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशन। तो ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस इसलिए एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि आपका पेपर पास है, आपको हमें ये बताना है कि आपको किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज इफ इफ वी गो अप फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ, या फिर इफ वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल, या फिर रोटेशन स्पीड ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज्ड, या वी गो डाउन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टुवर्ड सेंटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, आपको स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, इस तरह से इस क्वेश्चन को बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्या था हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास डियर एक्सपीरियंस है, यहां पे वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, फिर हमारे पास अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है ना हमारे पास, इसका हमें पूछा गया था थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, द रोटेशन स्पीड ऑफ द अर्थ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और हमारे पास फिर यहां पे क्या होता है, जो हमारे पास वी गो डाउन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टुवर्ड इट सेंटर। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो थी ये करेक्ट थी। ठीक है, किसकी वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, ये आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन पूछा गया असर्शन टाइप, एक क्वेश्चन आया था देयर इज नॉट अफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू एट पोल्स, रीजन दिया गया था रोटेशन ऑफ अर्थ इज अबाउट कोड पोलर एक्सिस। तो कोड्स आपको दिए गए थे कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सी एक्सप्लेनेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे दोस्तों यहां पे ऑप्शन नंबर 16 का ए ही था, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये दोनों क्या थी, ट्रू थी, एंड आर जो है ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था ना यहां पे देयर इज नॉट अफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स, तो रीजन इसका दिया गया था रोटेशन ऑफ अर्थ इज अबाउट पोलर एक्सिस। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मास ऑफ द बॉडी इज करेक्ट, इट चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज सेम एवरीवेयर, या इट डिपेंड्स ऑन इट्स शेप, या फिर इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 का इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, इट इज सेम एवरीवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया आपसे वेव्स प्रोड्यूस्ड एट द बॉटम ऑफ द सी ड्यू टू एन एक्सप्लूजन आर, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं एट द बॉटम ऑफ द सी में, ये किसकी वजह से होती हैं, ड्यू टू एन एक्सप्लूजन आर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन दिए गए थे बोथ इनवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, या फिर लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स या स्टेशनरी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया आपसे, व्हेन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव्स थ्रू ए सर्टेन मीडियम द क्वांटिटी विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम इज, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें अगर हम तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी ओनली। ठीक है, एनर्जी ओनली ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हेन ए स्टोन इज ड्रॉप्ड ऑन द सर्फेस ऑफ स्टील वाटर द वेव्स प्रोड्यूस्ड आर, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का, यहां पे ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो इसमें ट्रांसवर्स होंगी। देखिए यहां पे हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका एग्जाम पास है, अगर हम एक ही क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते रहेंगे तो आपका टाइम कितना वेस्ट होगा, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां पे एक आपको रेफरेंस मिलता है कि आपको पढ़ना क्या है, आपको किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, ये मैटर करता है एग्जाम के दिनों में। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोपेगेट इन ए गैस बट नॉट इन ए मेटल, बोथ इन गैस एंड इन ए मेटल, बोथ नॉट इन ए गैस बट इन ए मेटल, नीदर इन ए गैस या नॉट इन ए मेटल। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, नॉट इन ए गैस बट इन ए मेटल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा गया, ए ग्लास वेसल इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम एंड ए लिड इज फिक्स टू इट्स टाइटली, देन इट इज कैप्ट इनसाइड ए फ्रीजर फॉर आवर्स, व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है हमारे पास यहां पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी, जो हमारे पास ग्लास वेसल होता है वो ब्रेक्स हो जाता है ड्यू टू एक्सपेंशन की वजह से एज वाटर जो हमारे पास फ्रीजेस टू आइस। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया द वाटर फ्रीजेस इट्स डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, बिकम्स जीरो, या फिर रिमेन कांस्टेंट या इंक्रीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, रिमेंस कांस्टेंट। व्हेन वाटर फ्रीजेस इट्स डेंसिटी जो होती है वो हमारे पास डेंसिटी इसकी रिमेन कांस्टेंट रहती है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया द एब्सोल्यूट जीरो इज ए टेंपरेचर एट विच डैश, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा, यहां पे हमारे पास यहां पे ऑल गैसेस बिकम सॉलिड। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, सरफेस वाटर ऑफ ए लेक इज अबाउट टू फ्रीज, व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द लेक। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर हमारे पास डी था, 4, ठीक है। फिर अगले बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की, व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे स्फेरिकल मिरर से आपसे पूछा गया कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है एक स्फेरिकल मिरर का। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द पैरेलल एक्सिस पास आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑन अपीयर टू बी अराइजिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज। तो इस क्वेश्चन का आंसर था यहां पे ऑप्शन नंबर बी, आर इज इक्वल टू 2f, ठीक है। यहां पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आता है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर अगर आपको दी गई है विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 20.0 सेंटीमीटर था, तो इस क्वेश्चन को आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी इसका 10 हमारे पास आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, के जो सेंटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर का वो क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 29 का पोल, ठीक है। देखिए आपको मैं एक बात बताता चलूँ, ये जो MCQs है ना ये टॉपिक वाइज लाए गए हैं कि कौन कौन से चैप्टर से किस तरह के MCQs आए हैं। कल भी एक और सेशन आएगा, आपको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच टाइप ऑफ इमेज इज ऑलवेज जो हमारे पास फॉर्म बाई ए कन्वेक्स मिरर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे वर्चुअल इमेज इससे बनता है। देखिए कन्वेक्स और कनकेव मिरर है ये आपने पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, ओके। चलिए ये तो फिजिक्स के हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, चलिए अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री पोर्शन की। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, लवोइसियर, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज दैट एटम इज इंडिविजुअल। तो ये किसने कहा था, ये हमारे पास कहा था डेल्टर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, ए सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर था नेटिव एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव, इनका क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आप सबको आता होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कैन बी डिटेक्टेड बाय, ये किससे डिटेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट है, NaHCO3, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ए स्टूडेंट टेस्टेड ए लिक्विड विद रेड लिटमस पेपर विच रिमेंड रेड विद नो चेंज, दिस शोज दैट द लिक्विड क्या रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी, मस्ट बी प्योर वाटर आर एसिड, ओके, इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की, डियर एस्पिरेंट्स, द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन क्या करता है। यहां पे ऑप्शन आपके सामने थे, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन H+। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहां पे गैस्ट्रिक जूस इसका करेक्ट आंसर था यहां पे, ओके, यहां पे आपने याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विद एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, क्विक लाइम इसका करेक्ट आंसर था। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मिनरल एसिड डिस्कवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फ्यूजन ऑफ कॉपर। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, हीट इज रिक्वायर्ड इसका करेक्ट आंसर था। फिर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, इन द प्रेजेंस प्रेशर कुकर कुकिंग इज फास्ट बिकॉज द इंक्रीज इन वेपर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी आंसर था, इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन वाटर द सॉल्यूशन बिकम्स कोल्ड द चेंज इज, इस चेंज में क्या आएगा। तो इसका सुपर कूलिंग इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 13 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट इज कॉल्ड डैश। तो ये क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है, सॉफ्ट ग्लास कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसका होता है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, रेडोन, ओके, रेडोन का क्या होता है, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी था, सोडियम मोनोऑक्साइड, ओके। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया 17, यहाँ पे हाउ इज कार्बन ब्लैक ऑब्टेन, तो ये किस तरह से ऑब्टेन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन है, बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन्स इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, इनकंप्लीट कंबस्टन ऑफ ए फ्यूल गिव्स पॉइजनस डैश गैस। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ ग्रुप, इनका क्या ऑर्डर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे यह पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी, 3 होता है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपसे एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 20
एक्टिविटी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने देना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल में हमारे पास ऑप्शन डी था, यानी कि पहला द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज मिथेन CH4, और फिर आपको हाइड्रोकार्बन स्पोर्ट लाइफ डायरेक्टली एज कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड्स फिर बेंजीन इज अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट पढ़नी थी और फिर आपको करेक्ट आंसर देना था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का भी हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी था, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्या था, द गैस सप्लाइड इन सिलेंडर्स फॉर कुकिंग इज ए मिक्सचर ऑफ C3H8 एंड C4H10, और फिर था द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन्स इज नोन एज क्रैकिंग, और फिर पैराफिन वैक्स इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपसे पूछा गया था कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारे पास ऑप्शन नंबर डी था, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फिर आपसे असर्शन टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, हाइड्रोकार्बन आर वेरी गुड फ्यूल्स, रीजन दिया गया था द मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर नेचुरल गैस पेट्रोलियम एंड कोल। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 का हमारे पास ऑप्शन नंबर बी था, यानी कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बट आर जो है ये हमारे रीजन जो दिया गया है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये आपने याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया 23, इंजाइम्स क्या होते हैं, ये एसिलेरेट बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, या फिर कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड, या फिर हैव ऑप्टिमम एक्टिविटी एट बॉडी टेम्परेचर, या हैव ऑल दीज प्रॉपर्टीज। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी था, हैव ऑल दीज प्रॉपर्टीज। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेंट्स पेप्टाइड चेन, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर था ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीटोसिन। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया द फंक्शन ऑफ एंजाइम इन द लिविंग सिस्टम इज टू, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर था ऑप्शन नंबर सी कैटालाइज्ड बायोकेमिकल रिएक्शन। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया आपसे यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज टू डाइजेस्ट गैलेटाइन इन द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग सिल्वर फ्रॉम द फोटोग्राफिक फिल्म, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए एमिलेस। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल ऑयल्स डज नॉट कंटेंट एसेंशियली फैटी एसिड, तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए था सनफ्लावर ऑयल। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स हैज मोर नाइट्रोजन कंटेंट, तो किस में ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट होता है, तो यूरिया में होता है हमारे पास, ये आपने याद रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया 29 द एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर इज, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। फिर आपसे क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फॉर वीट कल्टिवेशन विच फर्टिलाइजर इज यूज, तो 30 का हमारे पास नाइट्रोजन आंसर आ रहा था। ठीक है, इस वीडियो में हमने केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन डिस्कस किए टॉपिक वाइज, अब कल भी ऐसे ही इसके करेंगे। अब बायो की बात कर लेते हैं। देखिए, बायो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर कोई भी नया है हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको डेली ऐसे वीडियो लेक्चर्स मिलते रहें और आपको हर एक अपडेट जो है ना वो भी मिलती रहे। ठीक है, ताकि आपको कहीं इधर उधर ना भटकना पड़े। अब क्वेश्चन नंबर 1 बायोलॉजी का बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एबिलिटी टू मेक साउंड। ठीक है, बाकी ग्रोथ भी होता है, रिप्रोडक्शन भी, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। फिर आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड फीचर इज नॉट ए यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है इसका ऑप्शन नंबर है ए इंक्रीज इन साइज। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ग्रोथ इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन बी ऑब्जर्व बाई, जो ग्रोथ होती है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वो किस तरह से ऑब्जर्व की जाती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग इन विट्रो कल्चर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन एंड अदर बिकॉज, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया 5 हु अमंग द फॉलोइंग कंक्लूडेड दैट एवरी सेल कम्स फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए विट्रो। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, में कौन सी एक्सेप्शन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है वायरसेस। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच केमिकल करेक्टरिस्टिक्स इज नॉट कॉमन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए है टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन बॉडी। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरह के क्वेश्चन आपको कॉलम वाइज भी देखने को मिल सकते हैं, तो रॉबर्ट हुक इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रॉबर्ट हुक। ओके, अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की, तो फाइब्रस रूट सिस्टम इज फाउंड इन, ये किस में पाया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए वीट प्लांट में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर था जो पेयर करेक्ट नहीं है वो बी था, स्वीट पोटैटो प्रॉप रूट, इस तरह से रूट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच करेक्टली, अब कौन सा मैच करेक्टली हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो हमारे पास एस्परगस है। ठीक है, एस्परगस की बात करें तो फेसिकुलेटेड रूट होती है इसकी, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रीअरेंज द फॉलोइंग जोन्स फ्रॉम द बेस टू अपेक्स एज सीन इन द रूट इन वर्टिकल सेक्शंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये रूट से क्वेश्चन बहुत आते हैं, यहाँ से आपने पढ़ना है इसको रूट हेयर जोन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 12 का। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की,
तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सॉरी, पहले रूट हे और जून होता है, फिर हमारे पास जून ऑफ मेचोरेशन होता है, फिर हमारे पास जून ऑफ इलंगेशन होता है, फिर जून ऑफ मेरिस्टम होता है, और फिर रूट कैप जून होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। 13 क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इसमें से डाइजेशन ऑफ फूड के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो एंजाइम, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काज बाय सेवियर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन कर। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंसिडर एज द इजली डाइजेस्टेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ई, सोयाबीन, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, लीवर। अब बात करते हैं, आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है अमीनो एसिड में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जीन्स आर मेड अप ऑफ, ये किसके बने होते हैं, ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, यही ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कैंसर काजिंग जीन इज, कैंसर काजिंग जीन कौन सा है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, प्रोटो, जो हमारे पास ऑन्कोजीन्स होते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, अमंग द फॉलोइंग वर अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए था, उजवा कोरेनबर्ग एंड एच जे खुराना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ए चाइल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्रोमोसोम्स कैन बी काउंटेड बेस्ट इन, किस में ये सही काउंट किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, मेटाफेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मीजल्स इज काज बाय, तो आपको पता होना चाहिए वायरस से होती है। फिर हमारे पास रूबेला वायरस काजेज, तो यहाँ इससे क्या काज होता है, मीजल्स होता है। फिर हमारे पास विच वन इज़ ए वायरल डिजीज़, तो वायरल डिजीज़ की बात करें तो रैबिस। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज स्प्रेड बाय पिग, तो स्वाइन फ्लू इसका इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ काज स्वाइन फ्लू, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं वायरस। फिर हमारे पास इबोला इज़ ए, ये डेडली वायरस है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर हमारे पास पूछा गया, इन्फ्लुएंजा डिजीज़ जो है ये काज्ड होती है किसके थ्रू, वायरस के थ्रू काज्ड होती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 30 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया हमने, 30 उसमें टोटल ये हमारे पास 90 क्वेश्चन बने, 89 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें भी एक क्वेश्चन मिस है। अब आपने बताना है कि आपको इसमें 89 में से कितने क्वेश्चन आ रहे थे, कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा है, और आपको कल फिर से एक और यहाँ पे टेस्ट प्रैक्टिस सेट मिलेगा, आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बाकी वाले यूनिट्स को भी कवर करेंगे। ओके, बाकी ये है कि ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।